नमस्ते दोस्तों, स्मार्ट ट्रेडर अतुल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि फिन निफ्टी क्या है, फिन निफ्टी के लॉट साइज कितने होते हैं और फिन निफ्टी के ऑप्शन और फ्यूचर में ट्रेड कैसे करना है, वो भी धन के प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स भी कीजिए। दोस्तों, आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में धन का अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया है। वहाँ पर आप जाकर अपना KYC अपलोड करके अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको ₹0 चार्ज लगेगा। उसके साथ आपको अगर AMC चार्ज भी आपको ₹0 लगेगा। अगर आप कोई स्टॉक डिलीवरी रखते हो तो आपको डिलीवरी चार्ज भी ₹0 लगता है। SIP और म्यूचुअल फंड में आपको ₹0 चार्ज लगता है। तो दोस्तों, जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर अपना अकाउंट KYC अपलोड करके अकाउंट ओपन कीजिए और धन के साथ ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, फिन निफ्टी एक सेक्टर ऑफ इंडेक्स है, सेक्टर इंडेक्स है, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की जैसा ही एक सेक्टर है, इंडेक्स है, सॉरी। जैसे बैंक निफ्टी में जो टॉप बैंक इंक्लूड होते हैं, टॉप बैंक के स्टॉक मिलकर जो इंडेक्स बनता है उसे हम बैंक निफ्टी कहते हैं। और जो निफ्टी में जो 50 टॉप 50 कंपनीज को मिलाकर जो इंडेक्स बनता है वो निफ्टी होता है। तो वैसे ही फिन निफ्टी में जो इंडिया के टॉप फाइनेंस कंपनी के स्टॉक होते हैं उनको मिलाकर फिन निफ्टी का एक इंडेक्स बनाया जाता है। तो फिन निफ्टी एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो फिन निफ्टी में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, ICICI बैंक, HDFC एक्सेट्रा के स्टॉक के इंक्लूडर होते हैं। तो आप भी देखते हैं, पहले देखते हैं कि फिन निफ्टी की लॉट साइज कितनी होती है। फिन निफ्टी की लॉट साइज होती है 40 क्वांटिटी की, जो आपको यहाँ पे अभी मैं दिखा रहा हूँ। एक सेकेंड देखिए, यहाँ पर फिन निफ्टी की लॉट साइज होती है 40 रुपीज। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो तो 40 रुपीज, एक रुपये के मूवमेंट पर 40 रुपीज से कैलकुलेशन होता है। तो अगर आपको फ्यूचर में बाय करना हो तो सीधा आपको जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, अभी मैंने मे का कॉन्ट्रैक्ट लिया, आपको सिर्फ खाली यहाँ पर राइट साइड पर बाय पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर इतना मार्जिन लगता है। तो आपको इतना मार्जिन ऐड करने के बाद ही आप फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आप इसमें बाय कर सकते हो। सिर्फ आपको बाय करना है और आगे सबमिट करना है। अगर आपको सेल करना है तो भी सेम प्रोसेस है। यहाँ पर सेल का ऑप्शन दिया है, यहाँ पर सेल ऑप्शन दिया है। जो आपको ऑर्डर टाइप लेना है आप यहाँ पर लिख सकते हो, मार्केट, लिमिट, ट्रिगर, उसमें, और आप सबमिट कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये था अगर आपको फ्यूचर में ट्रेड करना हो। अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना हो जैसे प्रीमियम में, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, मे के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मे के कॉन्ट्रैक्ट्स पर यहाँ पर एक मिनट, ऑप्शन चेन यहाँ पर ऑप्शन चेन पर क्लिक करते हैं। ऑप्शन चेन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर मेक कॉन्ट्रैक्ट्स आता है। मेक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन चेन ऊपर ऑप्शन है, हाँ। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको कॉल बाय करना है तो स्क्रीन के लेफ्ट साइड्स पर कॉल है, जैसे कि आप देख सकते हैं 19,400 स्ट्राइक प्राइस है, और ये साइड आता है कॉल और ये साइड आता है पुट, मतलब PE। तो आपको जो भी आपका व्यूज अगर पॉजिटिव है तो आपको कॉल बाय करके चलना है, अगर आपका व्यू नेगेटिव है तो आपको पुट बाय करके चलना है। अगर फॉर एग्जांपल हमें ये कॉल बाय करना है तो इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद से आपको यहाँ पर बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्वांटिटी ऑलरेडी शो है, मार्जिन आपको 8,253 लगेगा। कॉल की प्रीमियम प्राइस है 196 रुपये, 196 x 40 इज इक्वल टू होता है 8,253। और आपको यहाँ पर ऑर्डर डिटेल्स पे आपको लगाना है, मार्केट लगाना है, लिमिट लगाना है, या ट्रिगर लगाना है, या बास्केट लगाना है, जो भी आपको सही लगे आप उस टाइप से आप लिए। और यहाँ पर आप नीचे इंस्टेंट बाय करके क्लिक करेंगे तो आपका कॉल बाय हो जाएगा। सेम कंडीशन आपको यहाँ पर पुट बाय करना हो
सेम कंडीशन आपको पुट बैक करना हो तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए ये साइड पर यह पुट बाय करना है आपको, यहाँ पर आपको पुट बाय करना होता है, यहाँ से बाय करना होता है तो इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको बाय पर क्लिक करना है और बाय पर क्लिक करने के बाद इतना 88,473 आपको बैलेंस लगेगा और फिर आपका इस पर पुट आपको बाय हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे धन के मोबाइल प्लेटफॉर्म पर फिन निफ्टी का हमें फ्यूचर और ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है, फिन निफ्टी क्या है वो भी हमने जाना है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज कीजिए, उसका मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या अगर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज किया तो भी चलेगा। दोस्तों फिन निफ्टी अभी अभी थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में फिन निफ्टी थोड़ा सा अभी वॉल्यूम कम रहता है, मगर आगे चल के इनमें भी वॉल्यूम बढ़ने की हमें उम्मीद है, तो ट्रेडिंग के लिए ये भी अच्छा ऑप्शन है। और एक बात, इसका जो एक्सपायरी होता है वो ट्यूसडे को होता है, ट्यूसडे, जैसे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का होता है थर्सडे को, निफ्टी और बैंक निफ्टी का होता है थर्सडे को, इसका होता है ट्यूसडे को। हर वीक में ट्यूसडे के दिन इसका वीकली एक्सपायरी होता है, तो ये चीज हमें पहले याद में रखना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हो, यदि आप संतुष्ट हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।